lecture we will see about the temperature stresses which is induced in the cable due to change in temperature. ठीक है, तो suppose एक cable है जिसकी length small, span length small l है, ठीक है, और cable length है capital L. cable length is capital L. ये इसका maximum dip है, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम डिप, क्लियर है. तो आपकी जो लेंथ ऑफ केबल है वो किस फॉर्मूले से होती है, वो होती है एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर बाई एल. ठीक है, तो ये हो गई. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लेंथ इंक्रीज करेगी केबल की लेंथ, और ये एच भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ इंक्रीज कर गए और एच भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई. तो बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी गेट डी एल इज इक्वल्स टू 16 एच इंटू डी एच अपॉन 3 एल. क्लियर है, तो ये क्या हो गया, 16 एच डी एच अपॉन 3 एल. ये क्या हो गई, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिप, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिप चेंज होगी तो लेंथ भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी. तो ये आ गया डी एल इज इक्वल्स टू 16 एच डी एच अपॉन 3 एल. यहाँ से हम डी एच को भी लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल्स टू 3/16 एल अपॉन एच इंटू डी एच डी एल. तो ये डी एच हो गया 3/16 एल बाई एच इंटू डी एल. अब हम जानते हैं कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ चेंज कितनी होगी, डी एल होगी, एंड डी एल विल बी नथिंग बट अल्फा टी एल. ठीक है, अल्फा टी एल ही होगी. डी एल द चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी इंटू एल, वेयर अल्फा इज द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन. क्लियर है, तो डी एल इज इक्वल्स टू हो गया अल्फा टी एल, और हमको पता है डी एल क्या होता है, एल क्या होता है, अल्फा टी एल इज इक्वल्स टू एल प्लस 8/3, ठीक है, एच स्क्वायर बाई एल. तो आपका ये हो गया डी एल इज इक्वल्स टू अल्फा टी एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर बाई एल. क्लियर है, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, डी एल विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर एल इंटू अल्फा टी. ये बहुत स्मॉल टर्म होगा तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो डी एल इज़ नथिंग बट अल्फा, सॉरी ये स्मॉल एल हो गया, अल्फा टी स्मॉल एल. क्लियर, तो डी एल क्या हो गया, अल्फा टी स्मॉल एल हो गया. और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि डी एल इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्मॉल एल हो गया, तो हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी. तो डी एच इज इक्वल्स टू 3/16 एल अपॉन एच, डी एल क्या हो जाएगा, अल्फा टी इंटू एल. ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/16 अल्फा टी एल स्क्वायर बाई एच, ये भी लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि केबल में लोड की वजह से टेंशन इंड्यूस होगा, ठीक है, टेंशन इंड्यूस होगा, तो केबल में टेंशन मान लेते हैं टी इंड्यूस होगा. अगर हम बात करें टी मैक्स की, वो सपोर्ट पे आएगा, वो क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है. अब मान लेते हैं और हम जानते हैं कि एच क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8H, ठीक है, और नॉर्मली वी क्या होता है, डब्ल्यू एल बाई 2. तो अगर हम सेंट्रल डिप की वैल्यू कम होती जाए, अगर हम मान लेते हैं सेंट्रल डिप एच की वैल्यू कम होती जाए, तो एच बढ़ता जाएगा, तो एच इंक्रीजेस इफ स्मॉल एच डिक्रीजेस. तो जब एच बढ़ता जाएगा और एच घटता जाएगा, तो ये जो टी मैक्स होगा इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच. टी मैक्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच, क्योंकि ये तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल डिप छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे एच क्या होता जाएगा, बढ़ता होता जाएगा. क्लियर है, तो ये बात हो गई. तो हमको ये पता चल गया टेंशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच. अगर मैं बात करूं एच होता कितना है, एच होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8H, एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8H. तो यानी कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच.
तो यहाँ से हमको ये मिल सकता है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी एच, दिस विल बी इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h² इंटू डी एच, ये लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h² माइनस डी एच। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें हम तो डी एच अपॉन एच विल बी इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन एच, ये रिलेशन मिल गई हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और सेंट्रल डिप में, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टेंशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली एच के बराबर होगी, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट टेंशन अपॉन एरिया। तो अगर स्ट्रेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेस आपके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ से हमें चेंज इन स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल जाएगा, चेंज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल स्ट्रेस, दिस इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन एच, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन एच। और माइनस डी एच अपॉन एच क्या होगा, और माइनस डी एच अपॉन एच क्या होगा, माइनस डी एच अपॉन इज नथिंग बट माइनस 3/16 अल्फा टी एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/16 अल्फा टी एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये आई थी क्वेश्चन, ये आई थी ना, कहाँ गए, क्लियर है, ये आई थी 3/16 अल्फा टी एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डी एच डिवाइडेड बाई एच कर देंगे तो एच स्क्वायर। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हॉरिजॉन्टल डिप वैरी करवा रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे वैरी करेगी और स्ट्रेसेस कैसे वैरी करेगी, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी।